देख रहे हैं आप। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी भी तेज होने लगी है। ऐसा लगता है कि वो बयानबाजी करके ही चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ सभी पार्टियां खुद को बड़ा बेहतर बताने की कोशिश में जुटी हुई हैं। जेडीयू एमएलसी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने बयान देते हुए नीतीश कुमार को सबसे बड़ा नेता बताया। कहा है कि भारत की राजनीति नीतीश कुमार के पीछे घूमती है। जी हाँ, ये बड़ी बात उन्होंने कह दी। लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप से लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, तेज हो चुका है। अब जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार नीतीश कुमार को सर्वप्रिय बता रहे हैं। उनका मानना है कि नीतीश कुमार के पीछे भारत की राजनीति घूमती है। बीजेपी नेता ने लालू की तुलना गीदड़ से की। कहा, जब गीदड़ की मौत आती है, अब जब बयानबाजी जेडीयू की तरफ से हो उसमें भी नीतीश कुमार का जिक्र हो तो बीजेपी भला पीछे कैसे रह सकती है। जी हाँ, नीतीश कुमार के बारे में इतनी बड़ी बात कही गई तो अब बीजेपी का बोलना तो तय है, उनका बोलना उनका अधिकार है। बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला और भाजपा नेता निखिल आनंद का कहना है कि नीतीश कुमार को अब राजनीतिक श्रद्धांजलि ले लेनी चाहिए। जब बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी कंधे पर रखती थी, अब लालू यादव की गोद में खेल रहे हैं नीतीश। यानी बीजेपी का साफ तौर पर मानना यह है कि नीतीश कुमार को लेकर उनकी पार्टी जो दावा कर रही है वह सिर्फ हवा हवाई है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के उस बयान पर कांग्रेस गोल मोल जवाब देता जरूर नजर आया। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने यह जरूर कहा कि विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार है, लेकिन सीधे तौर पर यह भी स्वीकार नहीं किया है कि नीतीश के पीछे देश की राजनीति घूमती है। भला दूसरे पार्टी के वो नेता है, वो स्वीकार कैसे कर सकते हैं। नीरज कुमार के इस बयान पर राजद ने भी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार जरूर हैं, उनकी पार्टी का ये हक जरूर बनता है कि वे इन्हें सर्वप्रिय बताएं। लेकिन लगे हाथ आरजेडी प्रवक्ता ने नीतीश कुमार के बहाने अपने नेता यानी तेजस्वी यादव की कद का भी बखान जरूर कर दिया है। हाल के दिनों में बिहार की राजनीतिक फिजा काफी तेज है, बदली हुई तेजी से बदल रही है। ऐसे में नीरज कुमार का ये बयान महज तहज है या किसी के लिए बड़ा संदेश, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तो है कि बिहार की राजनीति में अंदर खाने कोई बड़ी स्क्रिप्टिंग जरूर चल रही है, जिसका ट्रेलर रह कर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। खैर, रिपोर्ट यहीं तक, फिल्म आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिर होगी आपसे मुलाकात।